दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। हिजरत की इन्हीं कहानियों में से एक कहानी फजलुर रहमान साहब की भी है, जो जम्मू से हिजरत करके सियालकोट पहुंचे। मेरा नाम फजलुर रहमान और हम राजपूत फैमिली से रखते हैं ताल्लुक। सुलेरिया राजपूत है, जम्मू में बहुत सारे थे, मुसलमान ज़्यादा भी पढ़े हुए थे, बहुत कम लोग जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे शौक था बड़ा पढ़ने का। और मैं अपने शहर की मोहल्ले में, हमारा एक प्राइमरी स्कूल था जिसको कहते थे मोहल्ला जुलाका, जम्मू तवी मोहल्ला, वो प्राइमरी स्कूल था, उसमें पढ़ाओ, और उसकी दीवार मेरे साथ ही लगती थी। जम्मू में मेरा बेहतरीन रिकॉर्ड था, आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट राइट फ्रॉम पहली जमात, नंबर एक। नंबर दो, मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा था, सारे स्कूल के बोर्ड जो है ना मैंने बनाए हुए थे, ज़मीन पर बैठते थे, टाट थे लगे हुए, टीचर जो थे वो मुसलमान थे, कोई तीन चार ऐसे टीचर थे जो हिंदू भी थे, लेकिन हिंदुओं का मैं बड़ा कायल था, वो भी मेरे बड़े कायल थे, क्योंकि मैं सारी जमातों में पहली से ले कर दसवीं तक, नौवीं दसवीं तक फर्स्ट आता रहा हूँ। मेरी फैमिली में मेरी तीन बहनें थी, एक उनमें से शादी शुदा थी, दूसरी की बाद में हुई है, तीसरी की बाद में हुई है, तीन बहनें और तीन भाई। मैं एक मेरे से छोटा था अब्दुर्रहमान और एक बड़े थे मोहम्मद जान, वो कॉलेज में पढ़ते रहे थोड़े अरसे के लिए, लेकिन छोड़ दिया था, वो पढ़ाई जारी नहीं रख सके। टीचर जो थे मुझे घर बुला के मेरी खिदमत करते थे, इतना कि मैं मुसलमान था वहाँ, लेकिन हिंदू लड़के, सिख लड़के, ईसाई लड़के वो भी थे। FSC बड़े कॉलेज में किया मैंने, लेकिन उधर चूँकि वो इंग्लिश शुरू हो गई थी, वो मुझे इतना मैं बेहतर नहीं कर सका, बट पास हो गया था मैं। मैं कोई 8 साल का था शायद, 7-8 साल का था, तो हमारा मोहल्ला जो था वो ऐसा था, उसका नाम था जुलाका मोहल्ला, वहाँ से मंदिर की तरफ जाते थे, वो आते थे हिंदू फैमिली से, और प्लेट में कुछ होता था खाने का या कोई अच्छी चीज़ होती थी, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, यार देखो इसको क्या करता है वो 8वीं में पढ़ता था मैं, तो उसको मैं टच करके प्लेट को मैं भागा अपने घर, नज़दीक ही था घर, घर में जाके बाथरूम में बैठ गया, मुझे कुछ मतलब शिकायत कोई ना हो ऐसी। तो वो आए घर में, उन्होंने मेरे वालिद साहब, वो दर्जी थे, बैठे हुए थे, पता नहीं अब क्या बातें हुई क्या नहीं हुआ, मैं जब पता लगा कि वो चले गए ना, मैं नीचे आ गया, फिर मेरी पूछ प्रतीत हुई है क्यों किया आपने ऐसे, क्या
क्या किया। तो मुझे जिस शख्स को मैंने टच किया था वो हिंदू था, और उसने मैंने उससे पूछ लिया, स्कूल में पूछा, आपका घर किधर है। उन्होंने बताया कि यहाँ से कोई एक आधा मील है दूर बाज़ार में, और ये मेरा नाम है, ये मेरे वालद का नाम है, ये उसे सारे बता दिए। मैंने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, ये मैंने गलती की है। तो वो इस बात पर राज़ी हो गए थे। मैं फिर गया उनके घर, कुछ लेके भी गया बाज़ार से, मिठाई शिठाई हुई कि तो बैठा उनके घर, उनके वालद साहब ने बातें की, कोई मेरे साथ इस तरह नहीं किया उसने, सिर्फ बातें ही की, अशरीफ आदमी लगते थे वो। तो कोई खाना खिलाया बाज़ार से, डॉक्टर को कहा जाओ बाज़ार से मुसलमान वाला खाना ले आओ, वो खाना मैंने उनके सामने खाया, और फिर उन्होंने समझाया थोड़ा बहुत और फ़र्क कर दिया, घर आ गया। बस घर मैंने आ गया, कुछ नहीं किया उन्होंने, बस ठीक है ऐसे ही, गिड़के शिड़के भी नहीं दिए, गालियाँ भी नहीं निकाली, बारा भी नहीं है, बदनामी भी नहीं की, तो आ गया मैं। मेरा जाना जो था उनके लिए बहुत मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ये है वो शिकायत, बाकी सारी ज़िंदगी में मैंने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं, मौका नहीं दिया किसी को भी। वाले साहब बहुत कम बोलते थे और ज़्यादा नहीं बोलते थे, और उनको भी सारी बात बताई, वालदा को भी बताई, मेरी अमशीरा थी उनको भी बताई। तो मैं और मेरी अमशीरा उनके घर गए कुछ पाँचवें छःवें दिन, और उनसे माफ़ी मांग के आए थे। मैं बड़ी पतंगबाजी करता था, ये एक मुझे शौक था, मार पड़ती थी, गालियां पड़ती थी, और खूब उसमें डंडे शड्डे पड़ते थे मुझे, लेकिन छुपा देता था, ठीक है। मेरी वालदा नहीं शिकायत करती थी, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब थे वो बहुत रिलीजियस माइंडेड थे। एक लड़का था उमरदीन का बेटा था, उसका नाम मुझे नहीं याद, उसको हिंदुओं ने छेड़ा था अपने इलाके में, और वो उसको 12 भी था, उसने वो घर आया था रोता रोता। तो ये एक है, और बाकी तो मुसलमानों को उन्होंने काफ़ी किया कत्ल किया है। तो खबरें आ रही थी जम्मू शहर में और मंदिरों से, उन्होंने ये मंदिर भी ख़राब कर दिया मुसलमानों को, फलाने बाज़ार में भी मारा है मुसलमानों को, उनके अपने हिंदुओं के मकानात थे वो, जो वो उन्होंने मुसलमान को लड़ाई हुई है, और वो कई शहीद हो गए थे मुसलमान, मुसलमान इकट्ठे हो गए। वहाँ मैं एक महीना रहा हूँ, पुलिस लाइन का जो जगह थी उसमें उन्होंने कहा कि आप उधर आ जाए, पुलिस लाइन अपने नज़दीक था, तो कोई आधा किलोमीटर था, मैं तो पैदल ही चला, तो नज़दीक था वो, बच्चे बच्चे सारे टांगे में बैठे, और जाके जो मुसलमानों के लिए मैदान रखा हुआ था इकट्ठे होने के लिए उधर चले गए। पुलिस लाइन में हम रहे हैं कोई एक हफ्ता, इसके पहले हम एक मकान किराए पर लिया हुआ था, अपने मोहल्ले से दूर था वो, मुसलमानों के मोहल्ले में था वो, उसमें रहते थे, एक महीना उसमें रहा हूँ मैं बच्चों के साथ।
और जब वक्त आया ना उन्होंने कहा कि आओ भाई चले पाकिस्तान गए, तो वो एक महीना या कुछ दिन होंगे हाँ वहाँ हम दूसरे घर से जो किराए पर लिया था वहाँ से चले, और नज़दीक ही था ये हमारा जो यहाँ इकट्ठे होना था उन्होंने ईदगाह में, वहाँ पहुँच गए, औरतों को उन्होंने दूसरी तरफ रखा, अलहदा हो गए, फिक्र हुआ कि कहीं ये गड़बड़ ना हो, मर्दों ने अपना आगे बैठे औरतें पीछे थी, ईदगाह में मैदान में बैठे, वहाँ अफरा तफरी पड़ी हुई थी, ठीक है लोग जगह ढूंढ रहे थे बैठने के लिए, और एक बंदा ऐलान कर रहा था, और वो जिस तरह उसने बताया उसी तरह बैठ गए हम, लोग आ रहे थे, लोग वो जल्दी आ गए थे क्योंकि ऐलान बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, मुसलमान चले ईदगाह पहुँचे मैदान में, फिर मैदान में आ गए जब तो सारे हमारा राइटिंग शाइटिंग हुआ, जाके दस्तखत किए, वापस आ गए, तकरीर हुई, उसके बाद फारिग हो गए, वहाँ से फिर चले गए पैदल ही गए नज़दीक था घर, मुसलमानों के साथ ज़्यादती की है वो आगे जो गए हैं, बसों में हम बड़े आसानी से चढ़ गए चले गए, और बसें और कोई काम नहीं था उनको, वो ना ठहरी है इधर ना उधर ठहरी ना इधर ठहरी, सीधा वो आ गए इधर सियालकोट के मैदान में, आर्डर हुआ गवर्नमेंट का कि आपने बसों पर चढ़ के तो पाकिस्तान जाना है, ठीक है बसें उधर खड़ी हो गई, हमें भी एक बस में जगह मिली, मेरे बैरवी थे इब्राहिम साहब जितनी चार ही थे बंदे, तो वो बैठ के बसों में, और वो खाली होना शुरू हो गया, तो फिर हम तो सियालकोट की तरफ से जा रहा था, सुचेतगढ़ बॉर्डर था, उन्होंने काफ़ी सारे कत्ल किए हैं और उनके घर में चोरी शोरी और जो कुछ भी सोचा बोलना जो होता था वो ले गए हैं, रायता भी था वो उधर भी नीचे जाती सड़क वहाँ भी कत्ल किए, रास्ते में भी कत्ल किए, और जम्मू के शहर में बड़े कत्ल हुए हैं, और लोगों को लूटा गया, लोगों को मारा गया, फिर क्योंकि हमारा मकसद था हम पाकिस्तान चले, ट्रक तैयार थे वो आते गए आते गए आते गए, तो हम बैठते गए उसमें, फिर वो उन्होंने कोई 27 ट्रक थे या कितने थे इतने थे वो सियालकोट के लिए रवाना हुए, रास्ते में कोई हमें होश ही नहीं थी को हम जा रहे हैं इधर क्यों देखे इधर क्यों देखे, तो हिंदू ज़्यादा थे ना जा रहे थे पीछे, खौफ तो रहा है जी सारी मतलब पैदल भी चले और दूसरे बसों पर भी चले हैं, तो खौफ तो रहा कि रास्ते में हिंदू शित को पकड़ना ले गाड़ी को कोई रखता पहुंचाए कोई इस तरह का, तो जोर जोर था डरते डरते गए, अब हम तो खुशी से ही गए, कायद आजम को इससे पहले मैं मिल चुका था, जब मैं जम्मू शहर में था और उन्होंने जामिया मस्जिद में जाना था, मैं भी चला गया, शाम के 4 बजे थे वहाँ इंतज़ार कर 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 के, तो वो बुले हैं बैठे थे, वो स्टेज पर बैठे थे और साथ एक बंदा उनका एडिटर बैठा हुआ था, तो वो ऊंची जगह थी, वो जब हम आते थे तो हाथ आगे करके मिलाते थे, अपना नाम बताता था मैं उनको, और बड़ा खुश था, वो आके बैठ जाता था, फिर एक दिन रात उधर ही रहे हैं उस कैब में खुले आसमान नीचे, पता चला था कि कायद आजम भी आ रहे हैं और पुलिस लाइन में वो इकट्ठे हैं, तो फिर पुलिस लाइन हमारी नज़दीक थी, रोज़ खबरें आती थी मुसलमानों ने पुरानी जगह मुसलमानों को छेड़ा है कत्ल किया है, कुछ मौतें भी हुई थी शहीद भी हुए थे,
और वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ गई। उतनी देर में 1947 आ गया, तो फिर गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जो जाना चाहते हैं, हम दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गए थे। हमारा मोहल्ला हिंदुओं से भरा हुआ था, बड़ा ख़तरा था, और जो मुसलमान जहाँ मेजॉरिटी में थे वहाँ बहुत कम हुआ। जब हम सियालकोट पहुँच गए और सियालकोट पहुँच के किराए पर घर लिया हुआ था, वो ईदगाह के पास थे और कुछ आधे घंटे में हम पहुँच सकते थे जहाँ हमारे लोग इकट्ठे हुए थे ईदगाह में मैदान में। कायदे आज़म से मिलने का बड़ा शौक था मुझे। कायदे आज़म एक ऊँची जगह बैठे हुए थे और कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो जाता था बंदा सलाम अलैकुम कुर्सी से मिलता था, वालेकुम सलाम करके वापस आ जाता था। ये तो मुझे भूलेगा नहीं सारी उम्र। हाथ मिला रहे थे लोग, मेरी बारी भी आ गई, लाइन में लगाओ, मेरी बारी भी आ गई, तो मैंने सलाम अलैकुम किया, हाथ मिलाया और वापस आ गया। कायदे आज़म से मिल के आया हूँ, बड़ा खुश था मैं कायदे आज़म से मिल के आया हूँ, लोगों को बताया कायदे आज़म, घर में जाके बताया मैं कायदे आज़म से मिला हूँ। मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ अपने वतन से, बहुत मोहब्बत करता हूँ। कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें मैं दाखिल नहीं होता।